स्वास्थ्य सहिया का दिखा आक्रोश, सिविल सर्जन के मुख्य द्वार के सामने किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। स्वास्थ्य सहिया मानदेय की मांग को लेकर सिविल सर्जन का रास्ता रोका। पाकुड़ जिले के महेशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर हाल में ही स्वास्थ्य सहिया डॉक्टर आरडी पासवान के साथ वार्ता विफल होने पर स्वास्थ्य सहिया नाराज होकर उनके मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन करते हुए पिछले 6 माह का बकाया मानदेय की मांग किया। देर शाम तक सहिया और सहिया साथी मुख्य द्वार को जाम करके रखी थी। सहियाओं ने सिविल सर्जन के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि 6 माह से सहिया साथियों को मानदेय नहीं मिला है। मानदेय भुगतान के लिए कई बार विभाग से आग्रह किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोविड काल में टीकाकरण से लेकर जांच कार्य के लिए भी सहिया और सहिया साथियों को कार्य में लगाया गया। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी पैसे का भुगतान नहीं किया गया। सहिया और सहिया साथियों ने सीए से मांग करते हुए कहा कि उन लोगों को शीघ्र ही मानदेय का भुगतान किया जाए। मीटिंग बुलाया गया था, उस मीटिंग में हम लोग को बात अपना अपना मतलब मांग के बारे में पूछा गया, तो हम लोग अपना मांगे रखे तो सर हम लोग को इनकार कर दिया है और आप लोग को जो करना है कीजिए। हम लोग बोले कोविड का पैसा बकाया है 2019 से, हम लोग को वो पैसा दिया जाए। और दूसरी बात, हम लोग का प्रोत्साहन राशि जो बाकी है 6 महीना का, वो उसको दिया जाए, इसके बाद हम लोग का। अतः सिविल सर्जन श्री पासवान ने सहिया के पास पहुँच कर मानदेय का भुगतान जल्द से जल्द करने और कोविड-19 कार्यकाल के 2 वर्ष का प्रोत्साहन राशि जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया। सिविल सर्जन के इस आश्वासन के बाद स्वास्थ्य सहिया ने मुख्य द्वार के सामने से जाम हटा दिया। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।